राजस्थान के अलवर रामगढ़ CHC पर ड्यूटी पर कार्यरत नर्सिंग अधिकारी ग्रेड सेकंड महिला को ठगों ने लॉटरी का झांसा देकर पंजाब नेशनल बैंक में सरकारी खाते से उड़ाया 16 लाख रुपया। पीड़ित नर्सिंग स्टाफ महिला मुकेश देवी ने बताया कि 2 वर्षों से रामगढ़ कस्बे में किराए के मकान पर अपने बच्चों के साथ रहती हूँ। PNB बैंक में मेरी सैलरी रेगुलर आती है, लेकिन मेडिकल की वजह से 4 साल की आधी सैलरी रुकी हुई थी, जो मेडिकल पर कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद एक साथ मेरे खाते में 17 लाख रुपये आए थे। मेरे बेटे के व्हाट्सएप पर 25 लाख की लॉटरी निकलने का मैसेज आया। मेरे बेटे द्वारा लॉटरी का मैसेज आने वाले मोबाइल नंबर पर बात की गई। उन्होंने कहा कि यदि आपको लॉटरी के पैसे प्राप्त करने हेतु कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। फॉर्मेलिटी के नाम पर ठगों ने 12,200 रुपये खाते में डलवा लिए। धीरे धीरे कर ठगों ने झांसे में लेकर लॉटरी के नाम पर 16 लाख रुपये खाते में डलवा लिए। पीड़ित ने ठगों के नाम रामगढ़ थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जी, हमारे यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में फीमेल नर्स श्रीमती मुकेश देवी, उन्होंने दर्ज करवाया कि उनके बेटे के व्हाट्सएप पर, जो छोटा है, KBC के नाम से लॉटरी खुलने के नाम से कोई मैसेज आया था व्हाट्सएप मैसेज, और उन्होंने उसको क्लिक किया और वो कहे कि 25 लाख की लॉटरी खुली है, और फिर बार बार पैसे जमा करवाते रहे, तो इनके द्वारा काफ़ी पैसा जमा कराया होता है, लगभग 10-11 लाख से ज़्यादा। सर, मैं मुकेश यादव, नर्स ग्रेड सेकंड पे हॉस्पिटल रामगढ़ में काम करती हूँ। और जब मैं घर पे गई तो मेरे बच्चे के मोबाइल पे एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि आप लक्की विजेता हो, KBC के चैनल पे आपको, ये व्हाट्सएप पे के चलाते हो ना, तो KBC पे आपको लक्की ड्रा दी जाएगी, जिसमें 30 लाख कैश दिया जाएगा। 25 लाख का कैश था, सॉरी सर, 25 लाख कैश। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।